So students, today we'll continue with the hydrogen chapter. In our previous lectures, we did some reactions. So today, देखो उसके बीच में जो हमने आपको reactions करवाई थी और उससे पिछले जो lecture था उसके बीच में कुछ एक questions रह गए थे NCERT के. Means usually we hope कि बच्चे कर लेंगे, but फिर भी मैं यहाँ पर वो questions, ये question है उसके 1, 2, 3 फोर पार्ट्स हैं, तो फोर के फोर पार्ट्स मैं एक बार यहाँ पर आपको करवा देता हूँ. देखो जैसे आपके पास ये पेज नंबर 8 पर दिया होगा, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एनसीईआरटी. जैसे देखो खाली यहाँ पर हमें इसे अरेंज नहीं करना है, समझना भी है और कैसे अरेंज किया है समझ करके. आपको दिया हुआ है CaH2, सेकेंड BeH2, थर्ड वन इज TiH2, और कैसे अरेंज करना है, यू हैव टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है. अब जरा ध्यान देना, इसका मतलब हमें केवल यहां पर इसको अरेंज नहीं करना है, कंसेप्ट भी समझना है. फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है. देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब कैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हो. इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन या फिर आयोन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, प्योर मेटल की फॉर्म में. तो दूसरा, अब यहाँ क्या आयोन्स बचे हैं, क्योंकि मेटल तो है नहीं यहाँ पर प्योर. प्योर मेटल कॉपर गोल्ड सिल्वर ऐसा कोई प्योर तो नहीं है, ये सब आपके पास हाइड्राइड्स हैं. तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको इसका ऑर्डर निकालना है. तो उसके लिए आप देखो कौन कौन सी मेटल साथ में दी हुई हैं आपको. यहाँ दिया हुआ है तो कैल्शियम, एक दिया हुआ है बेरिलियम, एक दिया हुआ है टाइटेनियम. टाइटेनियम जो है ये आपके पास एक डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये मेटल होती है, इट इज अ मेटल. ठीक, कैल्शियम भी एक मेटल ही है और बेरिलियम इट इज अ नॉन मेटल. बेरिलियम इज अ नॉन मेटल. अब जरा देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है, इधर बॉन्ड है बिटवीन कैल्शियम एंड हाइड्रोजन, यहाँ बॉन्ड है बिटवीन बेरिलियम एंड हाइड्रोजन, यहाँ है टाइटेनियम और हाइड्रोजन. जब आप इनको वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, ये इजिली कैल्शियम आयन प्रोड्यूस कर देगा, ये प्रोड्यूस करेगा टाइटेनियम का आयन, ये बेरिलियम का आयन. अब जो इजिली, जितना इजिली प्रोड्यूस करेगा आयन उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी प्रोड्यूस करेगा. अब देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास देखो बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है. देखो अगर देखो इसका क्या होता है, नंबर 5 टू ही शेल है इसके अंदर, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 3. अब स्मॉल साइज की वजह से इसके और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा. जितना एटम का साइज छोटा होता है उनके बीच में बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है. तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द बेरिलियम. सो इट विल नॉट प्रोड्यूस द एच पॉजिटिव आयन ईजिली और बेरिलियम आयन ईजिली. दैट्स वाई ये एक सबसे कम वीक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा. तो सबसे कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी हो जाएगी, सबसे कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी बेरिलियम हाइड्राइड की, क्योंकि ये आपके पास एक नॉन पोलर नॉन मेटेलिक हाइड्राइड है जो ईजिली आयन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा. उससे ज़्यादा किसकी होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्राइड की. और ये जो मेटैलिक हाइड्राइड है टाइटेनियम H2 TiH2, इसमें सबसे इजीली प्रोड्यूस होंगे आयोन्स और ये सबसे ईजी शो करेगा, क्योंकि टाइटेनियम जो है ना इसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू कैल्शियम. ठीक है, तो यहाँ पर ये इजीली प्रोड्यूस करेगा आपके आयोन्स, दैट्स वाई इट विल हैव द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, दोबारा से एक और क्वेश्चन है, LiH लिथियम हाइड्राइड, NaH सोडियम हाइड्राइड एंड देन CsH सीजियम हाइड्राइड. आपको बताना है इनका आयोनिक करैक्टर का ऑर्डर.
आयोनिक करैक्टर। और देखो आप ये पहले पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 4 में फजान रूल, ध्यान देना। अब देखो यहाँ H तो कॉमन है, इसे छोड़ दो आप, पता किससे लगाओगे, सोडियम लिथियम के नीचे क्या आया सोडियम, उसके नीचे क्या आया सीजियम। अब देखो वैसे अगर बात करूँ फजान रूल की, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप चलते हो, तीनों एलिमेंट किसके हैं फर्स्ट ग्रुप के, अगर ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप जाओगे आयोनिक करैक्टर हमेशा बढ़ता है, वो क्यों, देखो ये लिथियम है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, साइज ऑफ लिथियम इज दिस, साइज ऑफ सोडियम इज दिस, एंड साइज ऑफ सीजियम इज दिस, ये सीजियम हो गया। अब डाउन द ग्रुप चलने पर ये बॉन्ड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी क्योंकि एटम का साइज बढ़ेगा, यहाँ पर ये आयोन्स में ईजिली टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीजियम जो है एक लार्ज एटम है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है। और देखो ये बात जरा ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन है इसकी कैपेसिटी दोनों होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी और गेन करने की भी। अब हाइड्रोजन क्या है, जो मेटल्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बिकॉज मेटल्स प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन ईजिली। तो मेटल जो ये लिथियम, आपके पास सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, दीज आर वेरी मच रिएक्टिव एलिमेंट्स, दीज आर रिएक्टिव एट मेटल्स, दैट्स वाई दीज विल लूज इलेक्ट्रॉन वेरी ईजिली। तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो सीजियम सबसे ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देगा हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर सीजियम पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा और ये सबसे ईजी होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर किसका होगा, लिथियम हाइड्राइड से भी ज़्यादा होगा सोडियम हाइड्राइड का, और सोडियम हाइड्राइड से भी ज़्यादा होगा सीजियम हाइड्राइड का, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप चलते हुए जो मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आयोन्स में ईजिली कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट्स वाई इसका ऑर्डर ये रहेगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखना समझना, ये थोड़ा इसमें ट्विस्ट भी आएगा। दिया हुआ है आपके पास हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, एंड फ्लोरीन फ्लोरीन। अब पूछा गया है इन सब का ऑर्डर निकालना है किसका, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मीन्स इनको तोड़ने के लिए सबसे कम से हाई एनर्जी कैसे लगेगी, मीन्स किस में सबसे कम लगेगी, किस में सबसे हाई लगेगी। अब देखो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप, इसके पास भी वन शेल है, इसके पास भी वन शेल है, नंबर इसका भी वन है, इसका भी नंबर वन है, और एटॉमिक नंबर वन, एटॉमिक नंबर वन, बट फ्लोरीन के अंदर टू शेल होंगे, साइज बड़ा होगा, नंबर इसका नाइन है, एटॉमिक नंबर नाइन है, ठीक है। तो जब फ्लोरीन का साइज बड़ा होगा तो फ्लोरीन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड होगा बॉन्ड लेंथ हाई होगी, तो इसको तोड़ना आसान होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे तोड़ना आसान हो जाता है। तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है इन तीनों में, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। दूसरी चीज़ एक और भी होती है कि इसके आउटर में सेवन इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे घूमते रहते हैं ये, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोनों के बीच में रिपल्शन भी होगी, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे तो तोड़ना और भी आसान हो जाएगा। तो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो जाएगी आपकी F2 की, उससे ज्यादा। अब यहां देखो हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और ड्यूटेरियम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, वन शेल इसके पास है और वन ही शेल इसके पास है, तो यहां समझना पड़ेगा। देखो इसमें जो आपका हाइड्रोजन है उसकी एंथैल्पी ड्यूटेरियम से ज़्यादा है, मीन्स ड्यूटेरियम को तोड़ना सबसे आसान है इन तीनों में। उसका रीज़न ये है कि ड्यूटेरियम के पास क्या होते हैं, देखो यहाँ पर जो ड्यूटेरियम है उसके पास एक न्यूट्रॉन भी है, जो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन प्रोटॉन है, अब एक ड्यूटेरियम और आ जाएगा तो इस वजह से क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस जो इसका आपके पास मास है बढ़ेगा, मास बढ़ने से क्या है इसके बीच जो रोटेशन है ना वो कम हो जाएगी, मींस देखो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है दो आपस में रोटेट कर रहे हैं, इस रोटेशन से ना इनकी एनर्जी कम हो जाती है, तोड़ना आसान होता है। अब क्योंकि जो डी है
ड्यूटेरियम है, इसका मास ज़्यादा है, ये भारी है, तो इसकी रोटेशन कम हो जाएगी, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसको तोड़ना मुश्किल रहेगा। तो नंबर टू पर आपका आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन। और सबसे कम सबसे ज़्यादा स्टेबल या सबसे जो हाई चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो है D2 की, ड्यूटेरियम की। ड्यूटेरियम विल बी द मोस्ट स्टेबल, ड्यूटेरियम स्टेबल नहीं है, ड्यूटेरियम का मॉलिक्यूल डी और डी के बीच में जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्यों, बॉन्ड तो यहाँ भी बनेगा एच और एच के बीच में भी, बट एच एच के बीच में क्या होगा, देखो जब बॉन्ड बनता है ना, दो एलिमेंट होते हैं बॉन्ड के बीच के, वो लगातार घूमते रहते हैं, रोटेशन बोलते हैं उसको। अब जो रोटेशन है इनके बीच में, हाइड्रोजन जो है वो हल्का है, रोटेशन ज़्यादा होगी तोड़ना आसान है, ड्यूटेरियम के बीच में रोटेशन कम होगी तो इसको तोड़ना मुश्किल रहेगा, तो इसीलिए इसका ये एक सिक्वेंस रहेगा। ठीक, और इस क्वेश्चन का लास्ट एंड फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। क्या दिया हुआ है, NaH सोडियम हाइड्राइड, MgH2, और आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वाटर H2O। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूस करने की जो है उस प्रॉपर्टी में आपको अरेंज करना है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। अब देखो जरा ध्यान देना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मीन्स किसी सब्सटेंस को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी। अब ये हाइड्राइड कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय डोनेटिंग इट्स हाइड्रोजन, अपना हाइड्रोजन डोनेट करके ये इजीली किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, ये हाइड्रोजन जहां पर ऐड होगा उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। जितना इजीली एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और उतनी ही स्ट्रॉन्ग इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी। अब देखो आपके पास जो NaH है, देखो यहां पर, और इधर क्या है MgH2, और ये है वाटर। तो पहली चीज देखो, ये आपके पास जो सोडियम है और मैग्नीशियम है, दोनों के पास ही टू टू शेल है, दोनों के पास ही थ्री शेल हैं, थ्री शेल सोडियम के पास हैं और थ्री ही शेल मैग्नीशियम के पास हैं, तो दोनों का साइज तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके पास टू ही शेल हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहली बात तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ये एच पॉजिटिव इजली प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि तो यहाँ थ्री शेल, इसके पास भी थ्री शेल, साइज बड़ा है, साइज छोटा है, जितना साइज छोटा होगा उतना मुश्किल से बॉन्ड टूटेगा। तो H2O तो जो है वो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, अब रही बात सोडियम और मैग्नीशियम की, दोनों का ही साइज बराबर है, अगर दोनों का साइज बराबर है तो यहाँ पर आपको चार्ज को मेंशन करना पड़ेगा। सोडियम पर चार्ज है +1, एक ही हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम पर चार्ज है 2+, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही उसको खींचने की पावर भी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए जो कम चार्ज किसके ऊपर है, NaH के ऊपर, और मैग्नीशियम के ऊपर उससे ज़्यादा चार्ज है, तो MgH2 उससे स्ट्रॉन्ग, और सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा NaH के भी कम चार्ज की वजह से। देखो एक तो क्या है, साइज बढ़ गया, ठीक है, दूसरा Na के ऊपर चार्ज कम है तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो Na और H के बॉन्ड को तोड़ना आसान है, MgH2 के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि Mg के ऊपर जो दो पॉजिटिव चार्ज है, टू पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन को इजीली रिमूव नहीं होने देगा। तो ये रहेगा आपका इस क्वेश्चन का सीक्वेंस। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे पिछले लेक्चर में रह गए थे, तो मैंने ये आपको नोट्स में दिए हुए थे तो उनको भी यहाँ पर सोल्व कर दिया। इसके बाद अब मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर वाटर को, जो हमने कहा था लास्ट लेक्चर में, वाटर हमारे पास इस चैप्टर में वाटर और हाइड्रोजन इन दो की स्टडी है, वाटर एंड हाइड्रोजन परोक्साइड, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O। एंड अब देखो से हम क्या क्या बोल सकते हैं वाटर को, वी कैन से इट लाइक हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना हाइड्रोजन, यहाँ पर इसको हम हाइड्राइड ऑफ
ऑक्सीजन बोल सकते हैं इसको हम, ऑक्साइड, ऑक्साइड भी है ये क्योंकि जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है वाटर का, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्साइड ऑफ वाटर, इट इज नोन एज H2O। अब देखो आप पहले सबसे इसकी बेसिक स्ट्रक्चर पर जाओ, जो बेसिक बेसिक नॉलेज है, वाटर में क्या होता है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किए, कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवलेंट। इसका मतलब वाटर के बीच में, वाटर में विद इन द मोलिक्यूल ऑफ वाटर कौन सा बॉन्ड होता है, एच बॉन्ड, क्योंकि देखो सॉरी कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एंड व्हेन बॉन्ड फॉर्म्स बाय शेयरिंग इट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो वाटर में इन विद इन द मोलिक्यूल, नॉट बिटवीन टू मोलिक्यूल, विद इन अ मोलिक्यूल वाटर में कौन सा बॉन्ड हुआ, कोवलेंट। इसका मतलब आपका वाटर कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड, बिकॉज इट इज मेड बाय द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जरा ध्यान देना यहाँ, आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, इस पर चार्ज डेल्टा नेगेटिव, हु इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन, इस पर चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। ये होता है जिस एलिमेंट के ऊपर मोर चार्ज होगा वो डेल्टा नेगेटिव, जिस पर कम चार्ज होगा वो डेल्टा पॉजिटिव। अब डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, ये चार्ज की एक सेपरेशन हो गई। अब इसकी वजह से ये इस एलिमेंट, इस कंपाउंड को हम वाटर को बोलते हैं पोलर इन नेचर। देखो जब भी आपके पास डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एक एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो और एक एलिमेंट लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो, तो उस कंपाउंड को हम बोल देते हैं पोलर कंपाउंड। एंड वाटर इज पोलर इन नेचर ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और यही रीजन है कि हम वाटर को बोलते क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाई वी कॉल इट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट की मैक्सिमम चीजें इसमें घुल जाती हैं, व्हाई, बिकॉज इट इज पोलर इन नेचर, बिकॉज वाटर इज पोलर इन नेचर, दैट्स व्हाई इट डिसॉल्व मैक्सिमम थिंग्स एंड इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक, अच्छा अब देखो इसके बाद हम अगर बात करें वाटर के और डीप स्ट्रक्चर की, तो वाटर की एक बहुत ही पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर कैसे, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वाटर का हर एक मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये इस H से, इसका O इस H से, इसका H इसके O से, इसका H इसके O से, तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल इस और इस, इन 4 वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज 3D स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज 3D स्ट्रक्चर। और यहाँ जरा ध्यान देना कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन, पहले वैसे हम कर चुके हैं, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, अ बॉन्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरिन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज एच बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ये रहा, तो कितने एच बॉन्ड बनाए, 1, 2, 3, 4, वाटर मेक्स एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग, और यही रीजन है, ड्यू टू दिस एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये वाटर के हाई बॉइलिंग पॉइंट का एक रीजन है, दैट इट हैज एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा अगर हम वाटर की और बात करें, तो यहाँ पर देखो आपके पास जो वाटर है, इसकी जो सॉलिड फॉर्म है दैट इज नोन एज आइस, बट यूजली जो किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड फॉर्म होगी वो उसके लिक्विड फॉर्म से मोर डेंस होगी, मोर हैवी होगी, और वो उसमें फ्लोट नहीं कर सकती, बट आइस के साथ उल्टा केस है। आइस जो है वो वाटर की ही सॉलिड फॉर्म है, ये सॉलिड वाटर था, इसमें इसी की आइस बन जाएगी, लेकिन अगर आप आइस को लोगे तो वो इसमें सिंक नहीं करेगी, इट विल फ्लोट, तैरती रहेगी। वाई द आइस फ्लोट इन द वाटर,
बिकॉज जो आइस है इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। और डेंसिटी इसकी कम क्यों होती है, वाटर की एक बहुत ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है, इसको पैसे ले सकते हो, थोड़ा सा मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ इसकी ऐसे, इसमें इस तरीके से स्पेस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। आइस देखो, आइस बनी तो वाटर के मॉलिक्यूल से ही है ना, सॉलिड कंडीशन में आ गई। इन द आइस देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इस स्पेस की वजह से क्या होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और यही रीजन है कि जो आपका आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, वाइट फ्लोट, बिकॉज इट has less density than the water and white has less density due to the cage-like structure। ठीक है, तो water की cage-like structure की वजह से ये water में float करेगी, ठीक, और इसकी density कम होगी। और इसके बाद water की कुछ एक, देखो वैसे हम last chapter में हमने water के काफ़ी सारी reactions कर ली थी, एक दो reaction बची हुई है वो कर लेते हैं। जैसे कि water का एक nature होता है, that is amphoteric nature, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। अब एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक आर दो सब्सटेंसेज विच बिहेव लाइक बोथ एसिड एंड बेस, मीन्स दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज दे कैन रिएक्ट विद द बेस। अब देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखो कि कैसे आप बोल सकते हो कि वाटर जो है एम्फोटेरिक इन नेचर है। जैसे ये रहा वाटर, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी बेस के साथ में, ठीक है, आप बेस जो है अमोनिया ले सकते हो, आप बेस इज अमोनिया। इसके पास एक होता है यहाँ पर क्या, लोन पेयर, और वाटर क्या प्रोड्यूस करेगा, एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। अब होगा क्या, ये एच पॉजिटिव इस एन एच थ्री पर अटैक करेगा, कैसे, क्योंकि एन एच थ्री के पास क्या है, एक लोन पेयर। एच पॉजिटिव को किसकी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इसके साथ बनाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, और क्या प्रोड्यूस कर दिया साथ में, OH नेगेटिव। एंड वी नो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, जो H पॉजिटिव को गेन करे वो क्या होता है, एसिड, ठीक है ना, जो H और जो H पॉजिटिव को, जो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करे उसे क्या बोलते हैं, बेस। अब इसने यहाँ सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पर जो H पॉजिटिव को गेन करे दैट इज बेस, ठीक है, जो लूज करे वो एसिड होता है, तो जो H पॉजिटिव को गेन करे उसे क्या बोलते हैं, बेस। अब यहाँ पर NH3 ने कैसे बिहेव किया, लाइक अ बेस, और वाटर ने कैसे बिहेव किया, एसिड, क्योंकि इसने एच पॉजिटिव को प्रोड्यूस किया है, बिकॉज हेयर वाटर इज प्रोड्यूसिंग एच पॉजिटिव जो लिया है अमोनिया ने, दैट्स व्हाई हेयर वी कैन से वाटर इज बिहेविंग लाइक एसिडिक इन नेचर। तो ये एक तो क्वेश्चन हुआ जहां पर हमने देखा कि वाटर जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज इट रिएक्टेड विद द बेस। अब ऐसे ही अगर आप वाटर की रिएक्शन करवा देते हो लाइक HCl, या फिर मैंने जैसे एग्जांपल में नोट्स में दिया हुआ है H2S, दोनों ले लेता हूं मैं, H2O एंड H2S। अब देखो यहां पर क्या होगा, H2O के पास क्या है, लोन पेयर, और HCl प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव, ऑल दो प्रोड्यूस तो वाटर भी करता है लेकिन वाटर के कंपैरिजन में HCl लार्ज नंबर में H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, तो इसका H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। अभी बताया था मैंने पिछले लास्ट वीडियो में ही, ये बनाएगा हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव आयन और साथ में क्या प्रोड्यूस, Cl नेगेटिव आयन। तो वाटर ने H पॉजिटिव को क्या कर लिया है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये H पॉजिटिव लूज कर रहा था, ये एसिड था, यहाँ H पॉजिटिव गेन कर रहा है, इट इज बेस, तो वाटर यहाँ बेस भी हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता है H3O पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से हमने दिखा दिया है कि आपका वाटर जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बचा हुआ है, ऑल्दो हम वो लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, बट थोड़ा सा एक ना आगे और भी दिया हुआ है क्वेश्चन की फॉर्म में, वो कैसे, जिससे आपके पास ये वाटर है, ठीक है, और आपने इसकी रिएक्शन करवा दी H2 के साथ, तो बताओ कि इसमें कैसे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, कैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है, बताना पड़ेगा आपको। अब देखो F2 से क्या बनेगा, आप इसको चाहे तो HF बना दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना देगा, ये O2, ठीक है, ये हमने किया था लास्ट टाइम, HF लिख दो, यहाँ H पॉजिटिव और F नेगेटिव बात एक ही जाएगी। अब एक काम करो, हमें कैसे प्रूव करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, हम देखेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट,
व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर है +1, यहाँ पर -2, यहाँ पर इसकी 0, H की यहाँ +1, F की -1, O2 की यहाँ 0। अब देखो फ्लोरीन की कितनी है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी हो गई -1। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो F2 की क्या हो रही है, रिडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, इसकी ऑक्सीडेशन -2, -2 से 0 यानी कि बढ़ गई है, क्या हो गई इसकी ऑक्सीडेशन। एंड बिकॉज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक NCERT क्वेश्चन था जो एक आयोनिक इक्वेशन की फॉर्म में था, तो हमने यहाँ पर वो भी करवा दिया आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।